पैसा दूंगा। क्या कहेंगे गुरु के बारे में? सोनू सर, सोनू सर, दो शब्द, दो शब्द सुन सर, दो शब्द गुरु जी के बारे में। एक ही है, एक परिवार के हैं और खूब गाना गाते थे और वो सारी दुनिया में होता था, सिर्फ यहाँ नहीं। हम लोग वर्ल्ड टूर वर्ल्ड टूर करते थे, खजाना में भी चलता है, ये बहुत बड़ा लॉस है, ये सब पर्सनल लॉस। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कैसे याद करेंगे आप? बहुत प्यार से याद करेंगे हमेशा, लेकिन वही है कि मुझे बहुतों को हमको इतना पता नहीं लगा कि इतने बीमार थे। वो सबसे दुख की बात वो लग रही है कि काश पता होता तो थोड़ा सा और मिल लेते, वो रह गया। इतना जल्दी मुझे पता नहीं था कि ऐसा इतने बीमार है। एक्चुअली हम लास्ट शायद बात हुई लेकिन खजाने में मिले थे हम, खजाना जो हुआ था कौन सा, एक साथ बैठे थे। उस दिन भी उनकी तबीयत ख़राब थी, एक साथ ही गा रहा था, फिर सबने बोला कि तबीयत ख़राब है। तबीयत ख़राब है ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ मुझे नहीं पता था। अपेरेंटली तभी से ही काफ़ी ख़राब है उनका। इंसान इंसान मतलब है, लेजेंड्स बहुत सारे लेजेंड्स हम खो रहे हैं धीरे धीरे। इन पंकज जी के साथ एक कुछ घर सा था मेरा, नायाब या पूरे फैमिली उनकी, वो दिखता है उनका जो एक ग्रेसफुलनेस था, जो एक इंसान होता है ना, ये खूबसूरत इंसान थे बहुत ही। और मतलब बचपन हमारी अब ये कहने की बात भी नहीं है, बचपन सबकी बचपन उनके गज़लों से, उनके गीतों से बीती है। बहुत सारा मेमोरीज बचपन का वही है सबके, आई थिंक पूरे इंडिया में सबके, हमारे एज के सबके बचपन में उनका हिस्सा है सबके जीवन में। लेकिन इंसान जब मैं मिला उनसे, अब मिला हूँ कुछ सालों से, 8-10 सालों से एक रिश्ता सा है, जैसे फ़ोन करते हैं, जैसे हंसते हैं, इतनी बड़ी हस्ती है, लगता ही नहीं है, लगता है कि अपने हैं सबके लिए। दैट ग्रेस जो आर्टिस्ट में होना चाहिए उनमें भर के था, बहुत अच्छे इंसान थे। तो दैट इज़ अ बिगर लॉस फॉर मी, बहुत बड़ा लॉस है। मतलब ये तो आपको भी पता है, ये कहने की बात ही नहीं। और अपने आप में इंस्टीट्यूशन थे ना, ऐसा कोई नहीं था ना कि फिल्मों की ज़रूरत थी, ये इसका ज़रूरत था, अभी हम इंडी म्यूज़िक करते हैं, ये कहते हैं नॉन फिल्म म्यूज़िक बोलते हैं। इन्होंने पूरा उम्र अपने गीतों से ही सोल्ड आउट कॉन्सर्ट था उम्र भर, तो ये ऐसा कितने आर्टिस्ट होंगे, और बहुत बड़ी बात। आई थिंक ये बहुत बड़ा लॉस है, और म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए, गज़ल गायकी के लिए तो है ही, पर्सनली हम लोगों के लिए बहुत है, क्योंकि पंकज जी के हम बहुत क्लोज थे। और कमाल की बात है कि हम उनके गाने सुन सुन के बड़े हुए हैं, और फिर उनके दोस्त बन गए थे। और ख़जाना में रेखा तो 10-15 साल से उनके साथ गाती है, मैंने भी 2 बार गाया है। इतने खूबसूरत इंसान और इतने अजीम फनकार, ये कॉम्बिनेशन बड़ा मुश्किल होता है कि एक आर्टिस्ट भी उतना ही बड़ा हो और इंसान भी उतना ही बड़ा हो। तो ये बहुत बड़ा लॉस है, और गज़ल के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि जब गज़ल यहाँ पर नहीं थी, जब फिल्म म्यूज़िक का पूरा दबदबा था, उस बीच में पंकज जी ने आके गज़ल को आगे लेके आए थे हिंदुस्तान में। तो बहुत बड़ा उनका लिटरेचर के लिए, गज़ल के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान है, और ये बहुत बड़ा लॉस हम सब के लिए। मैं कहूँगी कि पर्सनल लॉस है, मेरे लिए तो पर्सनल लॉस भी है कि उनके साथ इतना वक्त गुजारा, और उसमें गाने के साथ साथ जो उनकी विजडम, उनकी ह्यूमिलिटी और पेशेंस, मैंने कभी उन्हें किसी के बारे में बुरा कहते नहीं सुना। आप लोग बातें कर लीजिए फिर करेंगे। अरे नहीं नहीं मैडम, बस मैंने कह दिया, क्योंकि जो ख़जाना के थ्रू जो पंकज जी काम कर रहे हैं, कर रहे थे, नायाब जो उनके साथ लग के इतना काम किया है, कि ना ही सिर्फ गज़ल को आगे लेके आए हैं, गज़ल को ज़िंदा रखा है, उसके साथ साथ थैलेसेमिया और कैंसर पेशेंट्स के लिए इतना काम किया, इतना फंड इकट्ठा किया है। और यही वजह है कि हम सब लोग साथ जुड़े रहे हैं, और ख़जाना उनके बिना इमेजिन करना बहुत मुश्किल लग रहा है, और
मालूम नहीं कैसे होगा, बट आई एम श्योर के ही विल बी गाइडिंग अस फ्रॉम वेयर एवर ही इज़. सो इट्स अ पर्सनल लॉस एंड इट्स अ लॉस आर्टिस्टिक लेवल पे, गायकी इंसान के तौर पे, और बहुत अच्छे दोस्त हमने खो दिए. उनके जो लाइव शोज होते थे, जो गानों के बीच में उनकी जो बातें होती थी, द ग्रेस, द स्टाइल, द यू नो सोफिस्टिकेशन दैट ही ब्रॉट टू हिज पर्सनालिटी वाज एब्सोल्युटली अनपैरेलल्ड. लेकिन साथ साथ उनमें जो एक एक हल्की सेंस ऑफ ह्यूमर थी, लेस इज मोर, जो एक मंत्रा था, चार भी बातें करते थे तो उसमें एक अलग ही एक सादगी थी. और किसी भी स्ट्रेस में, किसी भी किसी के लिए कोई गलत थॉट सोच बिल्कुल नहीं रखते थे. मेरे मेरे पिताजी के टाइम से मैं उनसे इन्फॉर्मेशन था, जब वो कॉलेज में थे मेरे पिताजी तब जज होकर वो फर्स्ट प्राइज तब से जीते थे, तो बात वो कई बार मुझे बताए भी थे. और दरअसल Okay.